नमस्कार फ्रेंड, सुशीलास किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन से भरी, हेल्थ से भरी, विदाउट ही राइस और ड्राई फ्रूट की खीर, जिसमें कि मेन जो हम डाल रहे हैं वो हम बना रहे हैं अंजीर और मखाने की खीर। तो हमें क्या चाहिए बताती हूँ मैं। हमने ये 1 लीटर दूध लिया है। इस 1 लीटर दूध में हम डालेंगे ये अंजीर, बिल्कुल फाइनली चॉप की हुई हमारी। ये देखिए, ये अंजीर है जिसे हल्का सा गीले कपड़े में हमने रख दिया था और उसके बाद चॉपर में बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। ये लगभग 10 से 12 अंजीर हमने लिए हैं और 1 लीटर दूध है। इस 1 लीटर दूध में हम ये अंजीर निकाल, 1 लीटर दूध में हम ये अंजीर इस तरह से सारे ये चॉप की हुई अंजीर बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं और हम इसे अच्छे से हिला देंगे। गैस को एक बार फुल करके एक बॉयल आने पर हम इसे बिल्कुल फ्लेम को सिम कर देंगे। अंजीर के अलावा हम ले रहे हैं ये मखाने। इन मखानों को हम थोड़ा सा सेमी फ्राई कर लेंगे। मखानों को हम थोड़े से घी में और सेमी फ्राई कर लेंगे। मखाने हमारे भुन गए हैं, इसके साथ ही अब हम ये डाल देंगे काजू। काजू के मैंने 2 पीस किए, मैं एक काजू को बीच में से काट के 2 पीस कर लिया और इसे भी हम थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेंगे। गैस को कर देंगे बिल्कुल सिम। और ये बादाम है, ये हमने चूरे की तरह से कर रखा है इसको, और ये बादाम डाल देंगे। इसे भी हल्का सा भून लेंगे। चीज हमारी अच्छे से भुन गई। अब हम गैस को कर देंगे बंद और ये जो भुना हुआ जो हमारा सामान है, इसमें हम जो मखाने हैं इनके 2-2 पीस या 3-3 पीस कर लेते हैं, तो जिससे हमारे मखाने थोड़े से क्रश टाइप हो जाएंगे। देखिए, मखानों को भी हमने इस तरह से क्रश कर लिया। अब ये जो हमारी खीर बन रही है, देखिए ये जो हमारी अंजीर इस दूध में पक रही है, इसी में हम ये डाल देंगे मखाने क्रश किए हुए और ये ड्राई फ्रूट। ये देखिए, हमने इसमें मेलन के सीड्स और सनफ्लावर सीड्स दिए हैं, इनको भी हम थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। सीड्स डाल रहे हैं क्रश किए हुए। तीन से चार इलायची पाउडर करके हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम ये क्रश किया हुआ पिस्ता और अच्छी तरह से हिलाते हुए हम इस खीर को पका लेंगे। स्वादानुसार हम मिश्री का पाउडर या ये देसी खांड इस खीर में डाल लेंगे। अंजीर से वैसे अच्छा खासा मीठापन आ जाता है इसमें, पर फिर भी स्वादानुसार आप इसमें मिश्री या देसी खांड डाल सकते हैं। ये देखिए, ये खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। लगभग 10 मिनट हमें इसे पकाना होता है और खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो जाती है। बहुत से लोग अंजीर खाना पसंद नहीं करते। फ्रेंड्स, खीर तो हमारी तैयार है। मैं एक बात बताना चाहूंगी, बहुत से लोग अंजीर पसंद ही नहीं करते, चाहे भिगी हुई अंजीर हो चाहे सूखी अंजीर हो, उन्हें अंजीर खाना अच्छा नहीं लगता। तो हम इसमें अंजीर की जगह डेट्स को यूज कर सकते हैं। और हम चाहें कि हमने ना खांड डालनी है ना ही हमने मिश्री डालनी है, तो हम डेट्स से भी मीठा कर सकते हैं, तो हमारी खीर मीठी हो जाएगी। और जब हम सर्व करेंगे तब हम थोड़ी सी किशमिश और पिस्ता से गार्निशिंग कर देंगे। ये जो खीर है, ये एक बोल आप सुबह खा लेंगे ना तो पूरा दिन आपको एनर्जी देगी। तो आप जिम करके आते हैं, आप योगा करके आते हैं, आपके बच्चे या बड़े कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये हेल्थ से भरा हुआ एक बोल बहुत ही ज्यादा एनर्जी देगा। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। सुबह एक बार खा ली ना, पूरा दिन आपको लगेगा कि हाँ पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी। तो आप ये खीर जरूर बनाइएगा, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, कोई ऐसी रेसिपी जो आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, तो आप प्लीज जरूर से मैसेज कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं। फिर से मिलते हैं सुशीलास किचन में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।